नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक और डेली न्यूज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए 12 इंटरेस्टिंग न्यूज हैं, तो पूरी देखिएगा दोस्तों ये वीडियो आखिर तक। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो ये है कि खतरों के खिलाड़ी ने पहले हफ्ते में ही टीआरपी चार्ट पर धमाल मचा दी है। कपिल शर्मा शो को भी पीछे छोड़ दिया और नागिन 3 को भी पीछे छोड़ दिया टीआरपी चार्ट पर। तो गाइस, खतरों के खिलाड़ी ने यहां पर बहुत ही बढ़िया एंट्री लिया है मेरे हिसाब से। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो दूसरी न्यूज आ रही है वो ये है कि सिम्बा फिल्म ने 235 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की सिम्बा फिल्म ने, और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि किसी खान की फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन पूरा किया हो, बल्कि ये है रणवीर सिंह बॉलीवुड के आने वाले सुपरस्टार। तीसरी न्यूज आ रही है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कंप्लीट किए हैं 100 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इंडियन लोगों को सिर्फ कंटेंट फिल्में देखनी है, उनको कोई मतलब नहीं है कि इसमें कौन सा स्टार है भी या नहीं है। चौथी न्यूज दोस्तों धमाल फिल्म के फैंस के लिए है, क्योंकि आज रिलीज होगा टोटल धमाल फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर और ये धमाल फिल्म का तीसरा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और भी कई सारे एक्टर्स। तो दोस्तों, क्या आप ऑफिशियल ट्रेलर के लिए एक्साइटेड है टोटल धमाल के या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पांचवी न्यूज आ रही है, कैटरीना कैफ ने भारत फिल्म की शूटिंग सेट से ये पिक्चर शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो भारत फिल्म की शूटिंग चालू है, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ मेन लीड रोल में है, और उसमें सुनील ग्रोवर यानी के द कपिल शर्मा शो के डॉक्टर गुलाटी भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो छठी न्यूज है वो ये है कि भाभी जी घर पर है, एक्ट्रेस सौम्या टंडन यानी के अनीता भाभी रिसेंटली ही मदर बनी है और उन्होंने ये पहली पिक्चर अपनी शेयर की है अपने न्यू बॉर्न बेबी बॉय के साथ। दोस्तों, जो सातवीं न्यूज है वो काफी शॉकिंग है, क्योंकि तारक मेहता की वाइफ इंदुबेन मेहता अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी एज 74 थी और परसों यानी के सैटरडे को 11 बजे ही उनका देहांत हुआ है, और उनके देहांत का कारण बना है कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर तारक मेहता शो फैंस और मेकर्स के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है ये। इसके बाद दोस्तों, जो आठवीं न्यूज आ रही है वो ये है कि राजी मूवी, जी हाँ दोस्तों, 2018 की ब्लॉकबस्टर मूवी राजी का सीक्वल बनेगा, यानी कि राजी 2 भी आएगी, और उसमें हमें आलिया भट्ट ही देखने को मिलेंगी, और वो जो राजी मूवी थी उसकी स्टोरी के आगे की स्टोरी राजी 2 में दिखाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, नाइन्थ न्यूज है 90s के किड्स के लिए, जो कि दूरदर्शन के सीरियल एंजॉय किया करते थे, और अब यहाँ पर दूरदर्शन ने अनाउंस किया कि वो भी स्ट्रीमिंग ऐप लॉन्च करेंगे, जैसे कि हॉटस्टार होगी, वूट होगी, नेटफ्लिक्स होगी, अमेजोन प्राइम होगी, उसी तरह की ऐप दूरदर्शन भी लॉन्च करेगा, जिसमें कि आपको अपने फेवरेट 90s के शोज देखने को मिल पाएंगे, जैसे कि 4G, मालगुड़ी डेज, देख भाई देख, सर्कस। तो दोस्तों, क्या आप दूरदर्शन की इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप के लिए एक्साइटेड है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद 10वीं न्यूज आ रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट हो चुकी है 25 साल की, और उन्होंने 2018 के एंड तक अपनी नेटवर्थ पूरी कर ली थी 25 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ हो चुकी है 2018 के एंड तक, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, 11वीं न्यूज है, कंगना रनौत की फिल्म आने वाली है मणिकर्णिका, और मणिकर्णिका की प्रमोशन के दौरान ही मीडिया ने जब कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की फिल्मों का, यानी के मोहनजोदारो जो कि ऋतिक रोशन की फिल्म थी, और मणिकर्णिका का कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर कंगना रनौत ऋतिक रोशन पर दोबारा से मजाक करती हुई नजर आई, और उन्होंने ये कहा कि उस फिल्म को देखा भी किसने था जो हम कंपेयर कर सकें। दोस्तों, इसके बाद जो 12वीं न्यूज है वो ये है कि दबंग 3 की शूटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान देखने को मिलेंगे, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान के भाई अरबाज खान, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने। तो दोस्तों, आप दबंग 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं या कितने नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी 12 न्यूज आज की, और दोस्तों इसी तरह की डेली न्यूज आप देखना चाहते हो तो बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे ही लाल कलर का बटन है, और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।